सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आजकल अधिक मास चल रहा है। अधिक मास अब 3 साल बाद यानी 2021 में ही आने वाला है। पूरे अधिक मास में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा पाठ करने का एक विशेष अवसर होता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा पाठ करने से हमें कई गुना ज्यादा फल मिलता है। और 10 जून यानी कि रविवार को एकादशी है। एकादशी भी ऐसी जो कि अधिक मास की एकादशी है, जिसे हम पुरुषोत्तमी एकादशी या फिर कमला एकादशी कहते हैं। इस कमला एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी को भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करने से विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है, विशेष कृपा उनकी बनती है और सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको यहाँ पे मैं कुछ उपाय बताने वाला हूँ, उन उपायों को निश्चित तौर पर 10 जून यानी कि रविवार के दिन करें, आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सुबह सुबह उठना है, किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है या जहाँ कहीं भी जिस मंदिर में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मूर्ति हो वहाँ पे जाना है और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी है और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करनी है। इससे विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी की माला बहुत ज्यादा प्रिय है और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला बहुत ज्यादा प्रिय है। तो ये दोनों मालाएं विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद मंदिर के बगल में कहीं आपको पीपल का पेड़ निश्चित तौर पे मिल जाएगा। पीपल का पेड़ भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, इसीलिए इस पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अधिक मास की एकादशी को यानी कि पुरुषोत्तमी एकादशी और कमला एकादशी को सुबह सुबह उठकर पीपल के पेड़ में जल निश्चित तौर पे चढ़ानी चाहिए और वहीं पे शुद्ध देसी घी का एक दिया जला दें और 11 बार इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लें। परिक्रमा आपको इस प्रकार से करनी है जिस तरह से घड़ी की चाल होती है, मतलब दाहिनी तरफ से मुड़ते मुड़ते आपको 11 परिक्रमा करनी है इनकी। तीसरा उपाय आपको करना है, कमला एकादशी या फिर पुरुषोत्तमी एकादशी दोनों एक ही एकादशी है, इस दिन पारद लक्ष्मी की स्थापना अपने घर में करें। पारद लक्ष्मी की पूजा से हर प्रकार के सुख सुविधाएं मिलती हैं, घर में खुशहाली बनी रहती है और पारद की लक्ष्मी को घर में स्थापित करने का सबसे शुभ मुहूर्त पुरुषोत्तमी एकादशी ही होता है। तो ये मौका हाथ से जाने ना दे, ये मौका अब 3 साल बाद ही आने वाला है, क्योंकि 3 साल बाद ही अधिक मास लगेगा और उसकी जो एकादशी होगी उसी में अब ये संयोग बनेगा। तो इस दिन का भरपूर लाभ उठावे। इससे संबंधित अगर आपको और भी कुछ जानना है तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपकी निश्चित तौर पे मदद करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।